Hello students, welcome to Civil Mantra. The question is, an infinitely long slope is made up of a sea-fed soil having properties are given. The angle of inclination and critical height of the slope are 40 degree and 5 meter respectively. To maintain the limiting equilibrium, the angle of internal friction of the soil in degree is, okay? तो आपको क्या पता है कि सीफाई सॉल है, तो हमें क्या पता है Sn इक्वल्स टू सी बाय गामा एच सी. एच सी क्या है? क्रिटिकल हाइट. अब Sn क्या है? Sn है टेलर स्टेबिलिटी नंबर, राइट? ये टेलर स्टेबिलिटी नंबर Sn का फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टेन बीटा बाई माइनस टेन फाइव. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Sn. तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टेन बीटा माइनस टेन फाइव इक्वल्स टू सी बाई गामा एच सी, तो इज इट मतलब इट इज ऑल्सो राइट. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन बीटा का वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेन 40 डिग्री माइनस टेन फाइव इक्वल्स टू सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सी इज 20 के पी ए, सो 20 बाय 16 इंटू फाइव इंटू कॉस स्क्वायर 40 डिग्री. यहाँ से फाइव वैल्यू विल कम 22.44 डिग्री. सो यहाँ पे क्या है, 40 डिग्री बीटा वैल्यू है एंड फाइ वैल्यू इज 22.44. ओके, मतलब फाइ इज लेस देन बीटा, बट फिर भी सॉइल सेफ रहेगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे सॉइल जो है वो कोहेशन है, सॉइल के अंदर सी है, तो कोहेसिव फोर्स के लिए भी वो स्लोप स्टेबल हो सकता है. तो इन केस ऑफ सी फाइ सॉइल, फाइ कैन बी लेस देन बीटा, पॉसिबल है. लेकिन अगर कोहेशन लेस सॉइल हो, मतलब ओनली फॉर फाइव सॉइल, इट इज नेवर पॉसिबल. सो इट्स ऑल्सो इजी क्वेश्चन. खाली कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, एस एन इक्वल्स टू सी बाई गामा एच सी, ये सबको पता है. लेकिन एस एन का फुल फॉर्म, टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फुल फॉर्म अगर आप पता है, वहां से आप फाइव वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग.